जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच है कि अभी जो वज़ीरेक्स एक्सचेंज है वो पुलिस के साथ भी मिल चुका है। अब इसी के साथ साथ आखिर आगे क्या होने वाला है, क्या आपके फंड सेफ है या नहीं, क्या आपके फंड्स या फिर आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको ट्रैक किया जा रहा है या नहीं, ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो कई सारे क्रिप्टो रूल्स बन रहे हैं। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की तरफ से भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अभी एक्सेप्ट करने की बात करी जा रही है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज का हमारा ये वीडियो पूरा का पूरा इंडिया के बेसिस पर रहने वाला है, और इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के क्रिप्टो रूल्स और आरबीआई एंड वज़ीरेक्स, इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम सारे अपडेट सबसे पहले डालते रहते हैं। तो वज़ीरेक्स की बात करने से पहले आपको बता दूं कि अभी जो G20 है उसमें इंडिया चेयर है, यानी कि हम चेयर पर्सन बोल सकते हैं, या फिर ये कंट्री हमारे ग्लोबल फ्रेमवर्क जो है क्रिप्टो को लेकर वो बनाने वाली, यानी कि जो फ्रेमवर्क इंडिया के द्वारा, इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा फाइनल किया जाएगा वो सारा के सारा सेम एग्जैक्टली सेम सारी कंट्रीज के द्वारा फॉलो भी किया जाएगा। तो आज फिर इन्होंने यही एक बात बोली है कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता अगर सभी कॉपरेशन नहीं करेंगे, यानी कि सारी कंट्रीज, सारे सेंट्रल बैंक्स अगर कॉपरेट नहीं करेंगे तो एफिशिएंट रेगुलेशंस आनी पॉसिबल नहीं है। तो आज के दिन फिर से क्या है कि इंडिया की जो G20 प्रेसिडेंसी के मुताबिक अभी फाइनली एक रेगुलेटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रेमवर्क हैंडल किया गया, सारे के सारे इश्यूज़ को भी इसी फ्रेमवर्क में डाला गया और इसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दी गई है। तो एक्चुअल में एक इवेंट हुआ है फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में, जिसके ऊपर निर्मला सीतारमन जी भी पहुंचे और उन्होंने अपनी पूरी जानकारी इसमें दी है। तो ये इवेंट एक तरीके से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के नाम से था, यानी कि फिनटेक अगर हम ग्लोबल की बात करें तो धीरे धीरे अभी इसी में ब्लॉकचेन आना भी शुरू हो चुका है। तो अगर क्रिप्टो रेगुलेशंस की बात करें तो क्रिप्टो रेगुलेशंस बहुत ही जल्द हमारे इंडिया के द्वारा फाइनल किए जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि अभी सिर्फ क्रिप्टो रेगुलेशंस की बात ही नहीं है, बल्कि हमारे साथ जितने भी क्रिप्टो को लेकर फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, उसको लेकर भी खास ध्यान दिया जा रहा है, खासकर वज़ीरेक्स के द्वारा, क्योंकि वज़ीरेक्स ने पहले भी किसी एक स्टेट की पुलिस के साथ काम किया था। अभी वज़ीरेक्स की टीम ने फिर से एक ट्रेनिंग सेशन दिए लखनऊ पुलिस को, यानी कि वहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए, ये क्रिप्टो करेंसीज को हर तरीके से समझाने के लिए एक सेशन किया गया था, जिसमें कई सारी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज जो रहती हैं, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कैसे किया जाता है, ये सारा प्रोसेस कैसे फॉलो किया जाता है, रियल लाइफ के स्टडीज़ को यहाँ पर स्टडी करवाया गया, तो सारी अथॉरिटीज़ को हेल्प भी करेगी। तो क्रिप्टो को लेकर कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पुलिस के द्वारा, या फिर जितने भी हमारे कॉप्स हैं उनको समझ नहीं आती कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, और बहुत बार जो बेगुनाह है उसको सज़ा मिल जाती है। लेकिन अब इसके बाद क्या है कि जो पुलिस है उनको भी बिल्कुल सही पता होगा कि किस तरीके से ट्रैक करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज को। तो इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि अभी पुलिस को पता होगा, हमारी जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनको भी एक इन्फॉर्मेशन होगी क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। लेकिन नुकसान ये है कि हो सकता है कि इससे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस करी जाएं, यानी कि हमारी ट्रेड्स को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। अगर वज़ीरेक्स इतना ज़्यादा साथ दे रहे हैं गवर्नमेंट का या फिर ऐसी एजेंसीज का, तो हमारा पूरा डेटा जाने वाला है गवर्नमेंट के पास, और हो सकता है कि हमारे बैंक्स के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ रोक टोक भी लगाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो सीबीडीसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में, कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, स्पीड जो बहुत ज़्यादा स्लो रहती है। तो ये प्रॉब्लम्स अब से आना बंद हो सकती हैं। जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास, तो उन्होंने कहा है कि सीबीडीसी को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक सबसे बड़ा सोल्यूशन बनने वाला है। तो मुंबई में G20 टैक्स स्प्रिंट फिनाले 2023 का जो हुआ था आज के दिन, तो उसमें आरबीआई के हमारे गवर्नर ने, उन्होंने सीबीडीसी को एक्सेप्ट किया और इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए इसको एक सबसे बेस्ट ऑप्शन माना है। लेकिन ऑलरेडी इंडिया ट्रायल फेज में चल रहा है, यानी कि नेशनल डिजिटल करेंसी, डिजिटल रूपी, जिसको हम सीबीडीसी बोल सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी हमारी कंट्री काम कर रही है, ताकि आगे आने वाले समय में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हो पाएँ और जितनी भी वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो एक दूसरे के साथ और भी इजीली कनेक्ट कर पाएँ, और पेमेंट्स क्या है आसान हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, लेकिन जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको इजीली ट्रैक भी किया जा पाएगा गवर्नमेंट्स के द्वारा। यही कारण है कि हमेशा जो निर्मला सीतारमन जी वो सारी कंट्रीज़ को यही बोलते हैं कि आपकी कॉपरेशन ज़रूरी है, क्योंकि आज हम अगर हमारी कंट्री से एक ट्रांजैक्शन भेजते हैं दूसरी कंट्री में, तो उस ट्रांजैक्शन को अगर हम दूसरी कंट्री के एड्रेस को अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं, तो दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट अगर वो अलाउ करेगी, तभी उस ट्रांजैक्शन को या फिर उस एड्रेस को ट्रैक किया जा सकता है। तो ऑलरेडी होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट्स में टेस्ट किया जा रहा है सीबीडीसी, कई सारे एक लिमिटेड यूज़र्स को एक लिमिटेड एक्सेस मिली ऑलरेडी। तो एक और चीज़ प्रपोज करी गई हमारे सेंट्रल बैंक के गवर्नर के द्वारा, वो है AML, जिसको हम CFTs भी बोल सकते हैं। AML है यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या फिर
फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कंट्रोल करना, कम्बैट करना, यानी कि इसको रोकना। इन दो चीज़ों के ऊपर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो हमारी कंट्री बहुत आगे बढ़ सकती है। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह कि यहाँ पे CBDC के ऊपर काम चल रहा है, क्रिप्टो फ्रेमवर्क के ऊपर काम चल रहा है, वज़ीरेक्स भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि सबको क्रिप्टो के बारे में समझाया जाए। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर प्रोवाइड कर पाएँ क्रिप्टो करेंसीज को लेकर। तो अगर ऐसा चलता ही रहा तो वज़ीरेक्स आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्टेप ले सकता है, जैसे कि वज़ीरेक्स का WRX सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अगर इस तरीके से धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट को अगर सूझबूझ आ जाए क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करे वज़ीरेक्स को बाइनेंस के अगेंस्ट स्यू करने के लिए। अगर बाइनेंस को स्यू किया जाएगा तो WRX वापस आ सकते हैं, एंड फॉर श्योर फिर WRX का प्राइस भी बढ़ सकता है, उसके जितने बर्न्स पेंडिंग है वो भी हो पाएंगे। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको किसी और एक्सचेंज के बारे में, कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दीजिए, एनालिसिस चाहिए वो भी मैं आपको करके दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।